कर्पूरी ठाकुर कोई व्यक्ति नहीं, वो सामाजिक न्याय धर्म निरपेक्षता का एक धारा के नेता थे, नायक थे। दबे कुचले गरीबों के न केवल आवाज थे, बल्कि उनके नाम लेने से ही गरीबों का हौसला बुलंद हो जाता। आजाद गांधी जी बता रहे थे भारत रत्न के विषय में। मैंने 24 तारीख को जयनगर में बड़ी सभा हुई थी, जन नायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर ही मैं आया, मधुबनी 23 को आया, 24 को मैं पहुंच गया जयनगर। इतनी बड़ी सभा में गरीब लोगों का जमघट हुआ था। सुरेश चंद चौधरी जी वहां थे, वहां का जो मुखिया है और प्रखंड का भी अध्यक्ष है राजन उमेश, उन्होंने कार्यक्रम कराया था। और मैं समझता हूँ लोगों को आज भी जितना समय बीतता जाता है उतने करीब कर्पूरी ठाकुर के विचारों की प्रासंगिकता बढ़ती जाती है, क्योंकि उनके धारा के बिना सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं हो सकती है। सामाजिक न्याय के लिए सबसे पहले उन्होंने अपने लोगों को गाली भी दिया तो उसको आनंद से उठाए, क्योंकि आपको मालूम है जब तक जीवन है। कर्पूरी जी का संस्मरण मैं एक थोड़ा सा सुनाता हूँ, क्योंकि मैं जन नायक कर्पूरी ठाकुर के लिए जब 1977 में इस्तीफा दिया, हमारे दोस्त यहाँ अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हमारे मित्र हैं, 77 में सिद्दीकी साहब शुरू से जन नायक कर्पूरी ठाकुर के साथ जुड़े रहे, उनके विचारधारा के साथ, उनके उसूल के साथ, और उनको पूरी तरह उनके विचारों से ओत प्रोत, उनका कमिटमेंट उस धारा के नेता यहाँ मौजूद है। मैं समझता हूँ अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब 77 में जब पार्लियामेंट्री मिनिस्टर बने थे, आपको मालूम है उस समय ही मैंने 3 महीने के भीतर मैंने और जन नायक कर्पूरी ठाकुर के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हम लोग 6 और रानी दे थी वहां से हजारीबाग से। उस समय बिहार अलग नहीं था, रांची अलग नहीं था, झारखंड बिहार और झारखंड एक ही था। उस समय 6 लोगों ने ऑफर किया था कि हमारे सिर से जन नायक कर्पूरी ठाकुर चुनाव लड़े, उसमें बाबू अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब भी थे, मैं भी था, रानी देव भी थे, पर्वता का नई मास्टर भी था। मैं कितना नाम गिनाऊं, केवल स्मरण के लिए सिद्दीकी साहब को याद दिलाता हूँ। मैंने सिद्दीकी साहब से कहा था कि आप मत इस्तीफा दो, हमको इस्तीफा देने दीजिए, रिकॉर्ड मत से फुल प्रयास से जन नायक कर्पूरी ठाकुर जीत कर जाएंगे। हमारे उनमें झगड़ा होता था इस्तीफा देने के लिए, वैसे महारहस्य इस मंच पर मौजूद है, इसीलिए मैं उनके सामने में क्या बोलूं। हम लोगों को अपने मन तक राहत हो रहा था कि हम इस्तीफा देंगे कि आप दोगे, ये दोस्ती हमारा है। जन नायक कर्पूरी ठाकुर हमारे बीच में नहीं रहे, अब हमारी भी उम्र 66 साल की हो गई, 67 साल में प्रवेश किए हैं। हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि चुनाव लड़ेंगे, संजोग है मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, और पार्टी में कर्पूरी जी के धरा के लोग और कर्पूरी जी चाहते थे कि हम लोग चुनाव लड़ें। हम लोग सैंपल भी नहीं जानते थे सैंपल क्या होता है, और मैंने देवेंद्र जी के मार्फत ही संदेश भेजा अपने चचा मरहूम को जो चेयरमैन हुआ करते थे कि भाई उनको जाके कहिए कि फाइल योर नॉमिनेशन, तो ये कह रहे हैं कि फाइल योर नॉमिनेशन वो फाइल करेंगे क्या वगैरह वगैरह। अब उन चीजों पर राजनीति जो है, नीति का, सिद्धांत का, गरीब का, न्याय का, अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों का, एक तरह से हास्य पर है। और जब जरूरत पड़ती है तो नारा के रूप में लोग गरीब का, पिछड़ा का, दलित का, न्याय की बात करते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तब न्याय और गरीब मजदूर भूल जाते हैं। तो मेरा मानना है कि हम तो कर्पूरी ठाकुर बन नहीं सकते, वो सामर्थ्य भी नहीं है, यहां जो भी लोग बैठे हैं वो चाह के भी नहीं बन सकते हैं। मगर कम से कम जब हम उनकी जयंती मनाते हैं
तो हमको ये संकल्प लेना चाहिए कि इस साल अपने में हम कर्पूरी जी के द्वारा जो बातें बताई गई उनको हम अपने आप में लागू करेंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जनक कर्पूरी ठाकुर के परम शिष्य चहेते एक दूसरे के प्रति समर्पित रहने वाले शरद यादव भी हम लोगों के बीच नहीं रहे। उनका अस्थि कलश जो है वहाँ से चल रहा है मधुबनी में 5 तारीख को असक्री होते हुए जाएगा। तो हम तमाम अपने लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जनक कर्पूरी ठाकुर के दूसरे रूप में शरद यादव जी थे। बड़े सोशल जस्टिस के बड़े नेता थे। बड़ा अधिकार हम लोगों को दिया, गरीबों की लड़ाई लड़ी उन्होंने सदन से लेकर सड़क तक। तो ये अस्थि कलश में आप लोगों को पूरा जहाँ जहाँ मधुबनी होते हुए जो मधुपुरा जाएगा राजकुमार जी, इसकी भी तैयारी राजा जी आप